दोस्तों, नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। दोस्तों, दो महीने पहले मैंने आप लोगों के साथ एक वीडियो शेयर किया हुआ था, रिग्रेट बाइंग प्रोडक्ट। इसमें मैंने आपके साथ कुछ मेकअप, कुछ स्किन केयर के प्रोडक्ट शेयर किए थे जो मेरे लिए बिल्कुल वर्क नहीं किए थे, बिल्कुल एकदम रिग्रेट बाइंग प्रोडक्ट थे। क्योंकि मेकअप और स्किन केयर के जो प्रोडक्ट होते हैं दोस्तों, वो नॉट रिटर्नेबल होते हैं। तो अगर हमारे लिए वर्क नहीं करते हैं, कुछ अच्छा रिजल्ट हमें नहीं मिलता है उनसे, तो वो प्रोडक्ट काइंड ऑफ रिग्रेट हो जाते हैं हमारे लिए। दोस्तों, आज मैं आपके साथ कुछ और स्किन केयर और मेकअप के प्रोडक्ट शेयर करने वाली हूँ जो मेरे लिए बिल्कुल वर्क नहीं किए, बिल्कुल रिग्रेट बाइंग प्रोडक्ट हो गए हैं। मुझे इनसे कुछ भी अच्छा रिजल्ट नहीं समझ में आया। और दोस्तों, मैं वीडियो स्टार्ट करने से पहले ये बताना चाहूँगी कि मेरा किसी भी ब्रांड के साथ ऐसा कोई कुछ पर्सनल कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि इन्हीं सारे ब्रांड के कई सारे प्रोडक्ट ऐसे हैं जिन्हें मैं बहुत ज़्यादा यूज करती हूँ, मुझे हद से ज़्यादा पसंद हैं। बट ज़रूरी नहीं होता है कि अगर कुछ प्रोडक्ट हमारे लिए वर्क कर रहे हैं तो सेम ब्रांड के सारे प्रोडक्ट हमारे लिए वर्क करें। कुछ वर्क करते हैं, कुछ नहीं करते हैं। बट वही होता है कि अगर हम मंगा लेते हैं दोस्तों, तो फिर वो रिटर्न नहीं कर सकते हैं और हमारे जो पैसे होते हैं वो वेस्ट हो जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और दोस्तों, जो सबसे पहले मैं स्किन केयर से स्टार्ट करना कर रही हूँ। सबसे पहले जो प्रोडक्ट है जो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया दोस्तों, वो है ये ममाअर्थ का ऑयल फ्री फेस मॉइस्चराइजर विथ एप्पल साइडर विनेगर फॉर एक्ने प्रोन स्किन। जैसा कि दोस्तों, मैंने ममाअर्थ के ऊपर एक ममाअर्थ का शैम्पू और कंडीशनर के ऊपर लास्ट मैंने वीडियो बनाई हुई थी, जिसमें मैंने बताया था कि शैम्पू और कंडीशनर मुझे काफ़ी अच्छा लगा, मेरे ऊपर बहुत अच्छे से वर्क किया। लेकिन दोस्तों, ये वाला जो प्रोडक्ट है ममाअर्थ का, मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, ये ऑलमोस्ट फिनिश होने वाला है। मैंने काफ़ी हद तक इसे यूज कर लिया है। ये 299 का इसका जो प्राइस है 299 है। आई थिंक ऑफर ऑफर में ममाअर्थ पे हमेशा ये ऑफर चलते रहते हैं, तो आपको ये 250 रुपये तक मिल जाएगा। लेकिन ये मुझे इसमें कुछ भी रिजल्ट नहीं समझ में आया। आई डोंट नो क्या ये वर्क करता है, बिल्कुल मतलब बिल्कुल भी मुझे अच्छा नहीं लगा। नहीं मुझे इसकी स्मेल पसंद आई, नहीं मुझे इसका फॉर्मूला पसंद आया। लगाने के बाद भी बहुत ड्राई फील होता है स्किन में, चाहे मैं इसे हैंड में अप्लाई करूं, ये मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और दोस्तों, जो मेरा नेक्स्ट प्रोडक्ट है वो है ये पैरासूट का एलोवेरा जेल वाला ये कोकोनट ऑयल। मैंने बहुत सारे यूट्यूबर को देखा हुआ था इसको लेके, इसके बारे में बात करते हुए, मतलब काफ़ी ज़्यादा तारीफ करते हुए, तो मुझे लगा चलो ठीक है, मैं भी ले लेती हूँ। मुझे भी एक अच्छा सा ऑयल चाहिए था, और कोकोनट ऑयल तो बहुत ही अच्छा होता है हमारे हेयर के लिए। और दोस्तों, इसका प्राइस भी बहुत ज़्यादा नहीं है। मैंने 175 ml वाला लिया है, आई थिंक 68 कुछ ऐसे ही कुछ इसका प्राइस है। मैंने भी लिया, आप देख सकते हैं, मैंने ना यूज भी किया हुआ है इसे, बट कुछ भी मुझे ऐसा रिजल्ट नहीं समझ में आया कि क्या है। नॉर्मल सा एक ऑयल है। और सबसे ज़्यादा मुझे बेकार ये लगा कि मुझे इसकी स्मेल बिल्कुल भी नहीं पसंद आई। मतलब बिल्कुल लगाने के बाद सर दर्द हो जाता है। और मुझे लगता है इसका जो मैंने जो क्लासिक वाला जो वर्जन है, जो मेन क्लासिक इसका जो आता है, रेंज आती है, वो इससे कहीं ज़्यादा बेटर है। मैंने उसे यूज किया है, वो ज़्यादा मुझे अच्छी लगी, बट ये वाला ऑयल मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। और दोस्तों, स्किन केयर की बात तो हो गई, बात करते हैं मेकअप के प्रोडक्ट की, जो मुझे बिल्कुल मतलब कुछ पसंद नहीं आए, कुछ वर्क नहीं किए, कुछ का जो शेड है वो मैच नहीं किया मेरी स्किन के ऊपर। दोस्तों, सबसे पहला जो मेरा प्रोडक्ट है वो है ये लैक्मे का ये 9 to 5 प्योर ब्लशर। आप लोग सोच रहे होंगे कि लैक्मे का एक ब्लशर है जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, जिसके बारे में मैंने बहुत बार बात की आप लोगों के साथ, तो इस वाले के साथ क्या प्रॉब्लम है? दोस्तों, इसके साथ मुझे कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। मतलब इसका जो क्वालिटी जो है, जैसा कि मैंने आपको बताया है, इसकी क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी है, सारी चीज़ें बहुत अच्छी है। बस मुझे प्रॉब्लम इसका इससे जो है वो इसकी शेड से प्रॉब्लम है, जिसका शेड है एक्चुअली जो शेड है जो इसका नाम है वो कोरल पंच इस शेड का नाम है। एक्चुअली मैंने लैक्मे का जो एक प्लस है, जिस पर मैं आपसे हमेशा बात करती हूँ, न्यूड प्लस, वो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद था। मैंने सोचा चलो ठीक है, एक दूसरा कलर भी सेम रेंज से मैं मंगाती हूँ, तो मैंने देखा ये वाला कलर। तो ये एक्चुअली मैंने नायका पे देखा, तो उसमें जो इसका कलर था बहुत मतलब लाइट दिख रहा था। आई थिंक इसमें भी आपको थोड़ा लाइट दिख रहा होगा, तो लाइट ऑरेंज कलर दिख रहा था, तो मैंने इसका चलो ठीक है एक ऑरेंज कलर मंगा लेते हैं। बट एक्चुअल में ये बहुत ज़्यादा डार्क कलर है। मतलब इसमें आपको लाइट दिख रहा होगा, लेकिन एक्चुअल में ये बहुत डार्क कलर है। और जब भी मैं इसे अप्लाई करती हूँ तो मतलब स्किन पे अच्छा ही नहीं लगता है। जब भी अप्लाई करूँ, मतलब सही से मेरे स्किन पे ये शेड
जो है वो सूट नहीं होता है, मैच नहीं करता है या जो भी हो, बट जब भी मैंने इसे कोशिश किया अप्लाई करने की, बिल्कुल भी मतलब स्किन डल लगने लगती है, मुझे कलर ही मुझे नहीं पसंद आया इसका, बहुत ज़्यादा डार्क है। और कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है बाकी, तो जो इसकी क्वालिटी है ब्लश की वो वही है, मतलब जैसा कि मैंने लास्ट ब्लश शेयर किया है जैसे उस ब्लश की क्वालिटी है, सेम इसकी भी है। जो मुझे प्रॉब्लम है वो सिर्फ इसके कलर से है, जो कि बहुत ज़्यादा डार्क है, वो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। आप देख सकते हैं ऑलमोस्ट न्यू है, मैंने इसे प्रॉपर यूज़ नहीं किया है। और दोस्तों जो मेरा नेक्स्ट प्रोडक्ट है वो भी लैक्मे की है, लैक्मे की लिपस्टिक। जैसा कि आप लोगों को पता है मैंने लास्ट एक मैंने वीडियो बनाई हुई है पूरी लैक्मे की फेवरेट प्रोडक्ट के ऊपर, मतलब लैक्मे के मैंने 5 प्रोडक्ट आप लोगों के साथ शेयर किया हुआ है जो कि कितने ज़्यादा मुझे पसंद है, मैं बहुत ज़्यादा यूज़ करती हूँ, आप लोगों को भी मैंने रिकमेंड किया हुआ है। बट जैसा कि मैंने बताया कि जरूरी नहीं है कि सेम ब्रांड के सारे ही प्रोडक्ट हमें अच्छे लगे। और दोस्तों ये लिपस्टिक है मुझे बहुत ही बेकार लगी लिपस्टिक, ये मतलब लैक्मे की इनरिच मैट लिपस्टिक है, 250 रुपये, आई थिंक 250 रुपये 300 रुपये की आती है, बट बहुत ही मतलब इतना बेकार इसका फॉर्मूला है, टेक्सचर है, और सबसे ज़्यादा बेकार ये है कि इसके अंदर एक कोरल शेड है, आपको आई थिंक ऑरेंज दिख रहा होगा, मतलब सबसे ज़्यादा बेकार इसके अंदर ये है, आई थिंक आप शायद ही नोटिस कर पाए इसके अंदर, इसके अंदर ग्लिटर पार्टिकल है, छोटे छोटे मतलब ग्लिटर टाइप के हैं जो लिप्स पे लगाने पे एकदम चमकता रहता है, तो ग्लिटर आपके लिप्स पे अलग दिखता रहता है, बहुत ही गंदा बहुत चीप दिखता है। और ये लिपस्टिक का मतलब फार्मूला भी बहुत अच्छा नहीं है, मतलब बहुत अच्छे से मतलब लिप्स पे लगती ही नहीं है, मतलब अलग से फटे फटे लगता है, इसे आपके लिप्स पे हर जगह से ये फट रही है लिपस्टिक, तो फार्मूला भी नहीं अच्छा है, इसके अंदर जो ग्लिटर है वो तो बहुत ही गंदा बहुत ही चीप दिखता है, ये लिपस्टिक मुझे लैक्मे की बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और दोस्तों जो नेक्स्ट मेकअप का प्रोडक्ट है वो है ये शुगर का एक कंसीलर है, मतलब मैंने आपके साथ शुगर का स्टिक शेयर किया था जिसमें मेरा शेड था 10 लाटे, तो वो शेड मैंने बहुत अच्छे से मैच किया था दोस्तों, तो वही देख के मैंने इसका सेम शेड का मैंने कंसीलर मंगा लिया, इसमें भी सेम चीज़ है वनीला लाटे शेड है, तो मुझे लगा चलो ठीक है वो शेड मैच किया तो सेम शेड का कंसीलर भी मंगा लेते हैं। बट ये वाला कंसीलर मतलब कंसीलर बहुत अच्छा है, इसकी कवरेज बहुत ज़्यादा अच्छी है, बहुत ही गुड क्वालिटी का कंसीलर है, जैसा कि शुगर के और सारे प्रोडक्ट होते हैं बहुत अच्छे होते हैं वैसे ये भी है, बट ये इतना ज़्यादा लाइट है आप देख सकते हैं, एकदम वाइट सफ़ेद है, मतलब बहुत ज़्यादा लाइट है ये। और दोस्तों मुझे बहुत ज़्यादा लाइट फाउंडेशन या कंसीलर दोनों ना मुझे बहुत ज़्यादा लाइट नहीं बहुत ज़्यादा डार्क, मुझे एकदम परफेक्ट जो मेरे स्किन से मैच करते हैं मुझे वही पसंद आते हैं, बहुत ज़्यादा लाइट डार्क मुझे नहीं पसंद आते हैं। और ये बहुत ही ज़्यादा सफ़ेद है, एकदम मैं आपको थोड़ा सा देख सकते हैं आप, पूरा वाइट है एकदम, ये मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, मतलब इतना ज़्यादा ये वाइट दिख रहा है कि एकदम लगाने के बाद भी अलग से एकदम वाइट वाइट दिखने लगता है, तो बहुत अच्छा लगता है ये कंसीलर भी, मुझे बहुत ज़्यादा रिग्रेट बाइंग लगा है, इसका प्राइस भी आई थिंक 799 या कुछ तो 799 कुछ इसका प्राइस है, लेकिन बहुत ज़्यादा मुझे मतलब बहुत ज़्यादा मुझे रिग्रेट बाइंग लगा प्रोडक्ट ये। और दोस्तों नेक्स्ट प्रोडक्ट है जो मेरा है वो भी शुगर से ही है, ये शुगर की काजल पेंसिल है, ट्विस्ट वाली पेंसिल है, इसमें जो शेड है 01 ब्लैक वेलवेट, मतलब नो डाउट पेंसिल मतलब काजल जो है वो मतलब क्वालिटी मतलब बहुत अच्छी है, बहुत अच्छे से मतलब स्मूथली बहुत अच्छे से ग्लाइड होता है, बहुत अच्छे से लगता है। सेम मुझे प्रॉब्लम जो है इसके कलर से है, मुझे लगा अच्छा सा मतलब डार्क ब्लैक कलर होगा, लेकिन इसका जो कलर है वो आई डोंट नो क्या दिक्कत है, जब भी मतलब इसे लगाओ तो उस समय बाद इसे ये ग्रे ग्रे दिखना मतलब ग्रे दिखने लगता है इसका कलर, मुझे मतलब ब्लैक बिल्कुल नहीं दिखता है, थोड़ा ग्रे लगने लगता है, तो वो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है कलर इसका। बाकी जो काजल की जो क्वालिटी है वो बहुत अच्छी है, बहुत अच्छे से लगता है, बहुत मतलब बहुत अच्छी क्वालिटी का है, लेकिन यही है कि कलर मुझे इसका नहीं पसंद आया, एकदम ग्रे हो जाता है, तो बिल्कुल भी मुझे अच्छा नहीं लगता है ये। और दोस्तों जो मेरा नेक्स्ट प्रोडक्ट है वो है ये लॉरियल का इनफेलिबल आईलाइनर है ये, और ये वाला पहले मैं आपको इसे लगा के दिखा देती हूँ, तो आप समझ जाओगे कि मैं क्या बताना चाह रही हूँ आपको। ये देख सकते हो आप,
पानी दिख रहा होगा आपको, लग रहा होगा कोई इस पानी के अंदर हल्का सा कोई ब्लैक कलर हो, वही है दिख रहा होगा आपको, कुछ भी कोई ब्लैक कलर नहीं, इतना बकवास है प्रोडक्ट ये। आई डोंट नो कि ये मेरे प्रोडक्ट के साथ ही मतलब ऐसी प्रॉब्लम है या सब सारे ही ऐसे हैं, बट बहुत ज़्यादा बकवास है, सबसे ज़्यादा बकवास प्रोडक्ट मुझे यही लगा। ये क्या है ये, आप देख सकते हो तो ऐसा कोई पानी में थोड़ा सा कलर डाल के कोई दे दे, बस वही है, ये देख सकते हो आप, ये बहुत ही बकवास प्रोडक्ट है। ताकि मैंने आप लोग के साथ शेयर किया हुआ है कि लॉरियल के कई सारे प्रोडक्ट हैं जो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। लॉरियल की एक आईब्रो किट है, आईब्रो डिफाइनर है, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, मेरे मतलब हमेशा मैं उसे यूज करती हूँ। लॉरियल का एक हेयर स्प्रे है जिसके ऊपर मैंने सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है, वो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। लेकिन ये वाला प्रोडक्ट लॉरियल का बहुत ही बकवास है, मतलब पता नहीं क्या है इसके अंदर, ये बहुत ही बेकार है ये। और दोस्तों जो मेरा लास्ट प्रोडक्ट है वो है ये लैक्मे की लिपस्टिक है, ये लैक्मे एब्सोल्यूट की लिप आउट मैट लिपस्टिक है। इसमें जो सेड है मेरा रेविंग रेड है, और मैंने बहुत पहले लिपस्टिक लिया था दोस्तों, बट मैं इसे यूज नहीं कर पाती हूँ, इसका कलर जो है और बहुत अच्छा सा रेड कलर है, बहुत ही अच्छा है, बहुत अच्छा सा रेड है हल्का, मतलब थोड़ा थोड़ा ऑरेंज का टिंट है इसमें। बट इसमें प्रॉब्लम ये है दोस्तों कि ये लगाने के कुछ समय बाद बहुत ही मतलब जो होट होते हैं बहुत ही फटे फटे हो जाते हैं ये, मतलब आई डोंट नो इसके अंदर क्या है, बट ये बिल्कुल भी मतलब लिप्स को मॉइस्चराइज नहीं करती है, कुछ देर के लिए लगता है लेकिन बाद में जो होट होते हैं बहुत ही फटे फटे लगने लगते हैं, मतलब बीच से ऐसे फटने लगती है लिपस्टिक, तो बिल्कुल भी अच्छी नहीं दिखती है, बहुत ही मतलब फॉर्मूला जो है लिपस्टिक का बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। मैंने काफ़ी पहले लिया था बट अभी मैं इसको यूज ही नहीं कर पाती हूँ, ऑलमोस्ट ये काफ़ी सारा क्वान्टिटी इसका बचा हुआ है इस लिपस्टिक का, बट इसका फार्मूला मुझे नहीं पसंद है इस लिपस्टिक का। जैसा कि मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है लैक्मे की 95 जो लिपस्टिक है, कई बार मैंने आप लोगों के साथ बात किया है कि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, और भी लैक्मे की लिपस्टिक हैं जो मुझे बहुत ज़्यादा मतलब पसंद है, बट ये दोनों लिपस्टिक है जो लैक्मे की मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो दोस्तों ये थे मेरे स्किन और मेकअप के कुछ ऐसे प्रोडक्ट जो मेरे लिए बिल्कुल वर्क नहीं किए, जो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आए। ऑलमोस्ट ये सारे ही मतलब सारे प्रोडक्ट से मुझे कुछ भी खास ऐसा रिजल्ट नहीं मिला, तो मेरे लिए सब डिग्रेड बाइंग प्रोडक्ट ही हैं। आशा करती हूँ इस वीडियो से थोड़ी सी आपकी हेल्प हुई हो, आपको वीडियो काम की लगी हो। अगर ये वीडियो काम की लगी हो दोस्तों तो वीडियो को जरूर लाइक करें, और मेरी आगे के और भी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।